अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दो तरह के चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ, वाइट और ब्राउन दोनों। उसके लिए पहले हम दो तैयार करते हैं। एक कप हमने बटर लिया जिसमें एक कप ब्राउन शुगर और एक कप वाइट शुगर। अच्छी तरह से इनको बीट करना है इतना कि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद दूसरी तरफ हम 2.5 कप मैदा लेंगे, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1.5 टीस्पून सोडा डाल के मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। फिर जो हमारा मिक्सचर था बटर वाला, उसमें 2 अंडे एक के बाद एक अच्छी तरह से बीट करके मिक्स करेंगे कि वो भी अंडे जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं पूरे बटर के मिक्सचर के अंदर। इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ये जो ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनको दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके बिल्कुल एक जान कर देंगे। और ये जब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 पोर्शंस के अंदर। ये बहुत अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो गया है बिल्कुल, इसके अंदर सब मैदा और बटर जो है वो गायब हो गया एक दूसरे के अंदर। फिर इसके बाद इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक के अंदर मैं पिकांस और ब्राउन चॉकलेट चिप ऐड करूंगी। ये 1/2 कप चॉकलेट चिप्स हैं और 1/2 कप पिकांस हैं। और अगर पिकांस ना हो तो ये वॉलनट रखे हैं मैंने। हाँ, वॉलनट और पिकांस का डिफरेंस आपने देखा। मैंने पिकांस को हाथ से तोड़ लिया है और अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इनको साइड पर रख दूँगी। अब हमें दूसरा वाइट चॉकलेट चिप का जो है वो मिक्सचर बनाना है। इसके अंदर मैंने 1/2 कप चॉप्ड रास्पबेरीज लिए हैं और 1/2 कप वाइट चॉकलेट चिप लिया है। इनको अच्छी तरह मिक्स करके और इवन बिल्कुल एक स्कूप की मदद से कि बिल्कुल एक जो है वो एक ही जैसे बने सारे कुकीज़, उनको मेजर करके और बेक करने रख दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स के बाद ये अच्छी तरह बेक हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट और बहुत च्यूई अंदर से और बहुत मज़ेदार। रसबेरी का एक मज़े का फ्लेवर होता है चॉकलेट चिप के साथ जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं, दीवाने हो जाएंगे इनके फ़्लेवर के। ये बहुत बहुत टेस्टी होते हैं और ये हमारे क्लासिक कुकीज़ जो होते हैं चॉकलेट चिप। इसके बाद मैंने इनके ऊपर भी चॉकलेट चिप लगाए थे और फिर इनको बेक किया था, वो वाला क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है, बहुत मज़े के, बहुत यमी। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।